हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शेविंग मशीन, जो सिलाई मशीन है, उसके व्हील के साथ में ये एक बाल बेयरिंग युक्त पार्ट होता है जो व्हील को मूव करता है। इसको कैसे रिपेयर करें हम, ये आज करेंगे। तो कसा जाएगा, कसने के लिए या खोलने के लिए ये जो स्क्रू है ऊपर वाला, इसको पहले थोड़ा लूज करना पड़ेगा, तभी ये खुलेगा या कसा जाएगा। और ये जो स्क्रू है ये इसीलिए होता है ताकि इसको पकड़ बना के रखे, ये खुल ना जाए ऑटोमेटिक। तो ये आप देखिए, यहाँ से इसको जैसे ही आप टाइट करेंगे तो ये जो इसके अंदर प्ले है वो खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, व्हील को ही खोल लेते हैं पहले। व्हील को खोलने के लिए 15 नंबर जो चाबी है वो आप लीजिए, और ये साइड का जो नट है इसको आप खोल लीजिए। इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये व्हील क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से चाबी के द्वारा खोलने के बाद इसको आप लूज करेंगे तो व्हील बाहर आ जाएगा। यहाँ से जो ये नट है इसको भी आपको खोलना पड़ेगा। ये प्लास की हेल्प से या 7-8 नंबर की जो चाबी होती है उसकी हेल्प से ये आप थोड़ा लूज कर लीजिए। ये मैंने लूज कर दिया इसको, उसके बाद ये हाथ से ही खुल जाएगा। अब ये रोड को आप घुमाइए, ये खुल जाएगी। ये हमने रोड भी हटा दी है। अब हम व्हील को निकाल लेते हैं। उसके लिए साइड वाला ये जो बोल्ट है इसको खोल देते हैं। इसमें भी क्या है, धागा फंसा हुआ है थोड़ा। तो देखिए व्हील को बाहर निकाल दिया है मैंने। ये व्हील निकालने के बाद बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं व्हील को, लेकिन देखते हैं, पहले खोलने की कोशिश करते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं लूज है काफी। अब हम क्या करते हैं, इसको आप छोटी कैंची या एक छोटी प्लास्टिक की हेल्प से इस प्रकार से इसको लगा करके भी खोल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। जैसे इसको खोलेंगे ये ज्यादा लूज होगा। आप इसे, और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें, ये जो नट है साइड का ये लूज होना चाहिए। अगर ये टाइट है तो ये नहीं खुलेगा। यहाँ से ये नट बिल्कुल लूज होना चाहिए। हम इसको खोल रहे हैं थोड़ा। अब देखिए हम जैसे इसको घुमाएंगे, टाइट करेंगे, कई बार ये लूज हो जाता है तो क्या होता है, गोलियां भी नीचे गिर जाती है। जितना आप इसे टाइट कर दिया मैंने, तो देखिए बिल्कुल भी ये नहीं मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। और जैसे ही आप इसे लूज करेंगे थोड़ा सा भी, इस प्रकार से देखिए ये घुमाते रहेंगे तो ये लूज हो गया है बिल्कुल। पूरा इसको खोल सकते हैं आप, इसको घुमाते रहिए नीचे वाले पार्ट को। ये देखिए बिल्कुल बाहर आ गया है, क्योंकि ये लूज हो गई है अंदर से बाल। अब इसको और घुमा करके पूरा खोल देते हैं हम। ये देखिए पूरा खोल दिया हमने इसको, इस प्रकार से ये फिटिंग होता है। तो देखिए अगर ये बाल पूरी हैं इसके अंदर तो आपको नई लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कम है, ध्यान रखें गिर ना जाएं, बाल गिर करके चली जाती हैं इधर उधर। तो इस प्रकार से इसकी ये देखिए नीचे गिर गई हैं सभी। और अब हमें क्या करना होगा, ग्रीस लेना होगा, क्योंकि ग्रीस इन बॉल को पकड़ के रखेगा। और थोड़ा कपड़ा भी आपको चाहिए। सबसे पहले तो ये व्हील है, इसके साइड में आप चेक कर लीजिए। साफ करने के बाद अगर आप मशीन को काफी समय से यूज कर रहे हैं तो यहाँ का ये जो कट है ये गहरा या खराब भी हो सकता है। तो आपको ये पूरे का पूरा ये रोड है जो ये पूरे की पूरी चेंज करनी पड़ सकती है, और ये पार्ट भी आपको चेंज करना पड़ सकता है व्हील का। यहाँ पर एक आप देखते हैं नट लगा हुआ है इसमें,
इस नट को जब आप खोलेंगे तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, इसको आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं ये नट खोलने के बाद, और नया पार्ट ला करके यहाँ वापस फिट कर सकते हैं। और इसमें हमेशा थोड़ा सा ग्रीस या ऑयलिंग रहना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, इसको वापस फिट करते हैं और बॉल किस प्रकार से लगानी है ये आपको बता दूं मैं। हम ये पार्ट वापस लगाते हैं, देखिए इस प्रकार से, और इसके ऊपर ये जो इसका कैप है जिस पे बैरिंग बैठेगा वो भी हम लगा देते हैं वापस, इसको यहाँ इसके अंदर लगा देते हैं ये इस प्रकार से। और इसको यहाँ पर आपको पकड़ के रखना है, अगर पकड़ के नहीं रख सकते नीचे थोड़ा कपड़ा वगैरह बांध दीजिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, यहीं पर ये रहना चाहिए इसी कट के पास, इसी कट के पास ये रहना चाहिए। मैंने क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये इसको कट के पास में ही रखना होगा हमारे को, और इसके अंदर ये बैरिंग लगा देने होंगे वापस। तो इस कट के पास ये बना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे कोई पॉलीथीन या कपड़ा ऐसे लगाएंगे या किसी की हेल्प से, इसको यहीं पर रखना होगा हमें। इस प्रकार से इसके नीचे मैंने पॉलीथीन एक बार लगा दिया है ताकि ये इस कट के पास में ही रहे। अब हमें क्या करना होगा, ये बैरिंग लेकर के साफ करने के बाद इसके अंदर हम लगा देंगे। अगर आपके पास ग्रीस है तो आप ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस नहीं है तो बाद में ऑयलिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये बॉल डाल देंगे, जैसे कि ये दो बॉल मैंने अभी डाल दिए और साफ की हुई, इसी प्रकार से दो दो चार, दो छः, सात और एक आठ, नौ और एक दस, और इसको देखते हैं सेट करेंगे इस प्रकार से और देखते हैं कितनी बॉल इसमें कम पड़ती है। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा नीचे हम करते हैं, यहाँ पर कट है, अभी 10 बॉल मैंने इसमें डाल दी है, एक बॉल ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बॉल है ये इधर उधर गिर जाती है। तो ये देखिए एक बॉल साइड में घूम रही है, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ और इसके अंदर लगा देते हैं। अभी भी इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे तो देखेंगे ये बॉल है ये यहाँ पर इस प्रकार से सेट हो जाएगी। एक बॉल अभी भी इसमें कम लग रही है, 12 बॉल आनी चाहिए यहाँ पर, एक बॉल अभी इसमें कम है, वो हमें अभी एक और लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर गैप दिख रहा है। अभी क्या करना होगा, ये हमें इसका दूसरा कैप है जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये चूड़ी भी है, इसको हम इसके ऊपर कस देंगे, जितना भी हम कसेंगे उतना ये टाइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लाएंगे और इसके ऊपर यहाँ बैठा देंगे और इसको कसेंगे इस प्रकार से, ये क्लॉकवाइज कसें इसको, जैसे ही कसेंगे इसको अंदर की ये जो बॉल्स हैं वो अपने हिसाब से सेट बैठ जाएगी। और तो इस प्रकार से इसको लेने के बाद ये आप इसको थोड़ा टाइट करिए, इस प्रकार से टाइट करना पड़ेगा, ये निकाल देते हैं, बॉल गिर ना जाए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक बॉल ये देखिए साइड में थी जो कि निकल गई थी, इसको वापस लगाना पड़ेगा, इसे खोल करके हम पुनः लगा देंगे इसके अंदर जैसा मैंने बताया है। और इसे कसने के बाद टाइट करेंगे पूरा, ये देखिए अभी लूज है और टाइट करना पड़ेगा। और ये बॉल भी दोबारा मैं इसमें डाल दूंगा बाद में, तो आपको पता हो गया होगा 12 बॉल इसमें रहेंगी। ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है, अभी एक बॉल कम है जो कि अभी हमें मिली है। ये वापस इसी प्रकार से हम खोलेंगे, इसको खोलने के बाद यहाँ इसको पकड़ के रखेंगे या इसके नीचे कागज वगैरह कुछ लगाएंगे या कपड़ा लगाएंगे और इसके अंदर ये बॉल वापस डाल देंगे
और इतना इसको टाइट कसना है कि ना तो ज्यादा लूज रहे और ना ही ज्यादा टाइट हो। इसको कसने के बाद ये जो साइड का जो स्क्रू है इसको आप टाइट कर देंगे ताकि ये खुले नहीं और अपनी जगह बैठे रहे, और वापिस टायर को इसको व्हील को हम मशीन में लगा देंगे। तो इतना ही है, ये जो बाल बेयरिंग है और इसमें हम ऑयलिंग करते रहेंगे ताकि ये लंबे समय तक काम करे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये जो बाल बेयरिंग पे बेस्ड व्हील काम करता है, ये कैसे हम रिपेयर करें, कैसे सही करें, कैसे साफ करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।